अलग बोलियां अलग भेष और देश प्रेम प्रचंड। केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड, केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड। तो हिल यात्रा का ये जो हमारा तीसरा सीजन था, केदारखंड से मानसखंड एक नंबर उत्तराखंड की राज्य को एक नंबर कैसे बनाएं, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, देखते हैं कि किस तरह हम पूरे प्रदेश भर में पहुंचे और क्या कुछ खास वहां पर हुआ। प्रेजेंटेड बाय डेटॉल, बनेगा स्वस्थ इंडिया। पावर्ड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। सफर पर निकलने का जुनून तो दिखाओ, चुनौतियों के पहाड़ भी कंकड़ नजर आएंगे। एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, रास्ते खुद हाथ थाम मंजिल तक ले जाएंगे। ओहो हिल यात्रा के दो सीजन्स को बखूबी अंजाम देने के बाद आगाज हुआ ओहो हिल यात्रा सीजन 3 का, जहां केदारखंड से मानसखंड एक नंबर उत्तराखंड की थीम के साथ यात्रा की शुरुआत हुई बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद के साथ। जय जय केदार, केदारनाथ जी की धरती में इस वक्त हम लोग, ये हिल यात्रा का सीजन 3 है। और फिर ओहो रेडियो की टीम निकल पड़ी हिल यात्रा के अपने सफर पर। मकसद था उत्तराखंड के हर जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना, जिसके जरिए उनका हुनर सबके सामने आए, साथ ही उत्तराखंड को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। इस मुहिम में हमें साथ मिला डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया का, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उत्तराखंड में 4 क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स के जरिए बच्चों को मिशन लाइफ के साथ जोड़ा। वहीं दून डिफेंस ड्रीमर्स ने बच्चों को डिफेंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन पढ़ने लिखने में होशियार बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की राह आसान की। हमारे अगले साथी थे यू कॉस्ट, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश के साथ बच्चों को मोटिवेट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और तकनीकी के लिए। नया भारत साइंस और टेक्नोलॉजी का भारत है और उत्तराखंड को भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने का एक प्रयास है विज्ञान धाम। विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर। राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बच्चों ने परफॉर्मेंसेस के जरिए GST से होने वाले फायदों के बारे में भी बात की। और वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर नदियों को साफ रखने को लेकर बच्चों ने की खूबसूरत ड्राइंग्स। हमारे साथ जुड़े सभी साथियों के प्रयास भले ही अलग अलग दिशा में थे, लेकिन मकसद सबका एक ही था, कैसे एकजुट होकर राज्य का हर नागरिक अपने हिस्से की भागीदारी करे, जिससे बने केदारखंड से मानसखंड एक नंबर उत्तराखंड। अरे महादेव की धरती है ये बद्री और केदार यहाँ। ओ हो हिल यात्रा, ओ हो हिल यात्रा। गंगा जमुना का उद्गम है, हर दिन है त्योहार यहाँ। ओ हो हिल यात्रा, ओ हो हिल यात्रा। अलग बोलियां अलग भेष और देश प्रेम प्रचंड। केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड, केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड। ओ हो हिल यात्रा, ओ हो हिल यात्रा। सुंदर वादी शुद्ध है पानी, मेरे पहाड़ की यही कहानी। खान पान और खेत खलिहान, चट से रस्ते लोग आसान। स्वरोजगार विज्ञान से देते राज को अपने नई पहचान। केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड, केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड। ओ हो हिल यात्रा, ओ हो हिल यात्रा। तो कैसी लगी ये यात्रा, आपकी तालियां बताएंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये तकरीबन 2 महीने की हमारी यात्रा थी, उसके बाद आज हम आपके सामने यहां पे पहुंचे हुए हैं। मैं अब
कार्यक्रम को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ काम आ गए हैं, उनको निकलना भी है। तो सबसे पहले डेटॉल के साथ में, क्योंकि डेटॉल ने क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल्स बनाए हैं, तो एक प्रीएम्बल लॉन्च है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनेंगे। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्रीएम्बल लॉन्च के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इस हिल यात्रा को, जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है, आपको ये देखकर कैसा लगा, और प्रदेश भर के आज खटीमा से लेके रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, ऋषिकेश के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आप अपनी बात किस तरह से उनके समक्ष रखना चाहेंगे? जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भारत माता की हिल यात्रा केदारखंड से मानसखंड, आज इस यात्रा के इस समापन समारोह में मंचासीन श्री रवि भटनागर जी हमारे डिटॉल से, और जिन्होंने इस पूरी यात्रा का संयोजन किया और लंबी यात्रा करी, लोगों के बीच में अनेक अनेक कार्यक्रम किए, बहुत सारे लोगों के बीच में आप गए और विद्यार्थियों से भी संवाद किया, आम जन से भी संवाद किया, और उत्तराखंड के जो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो सामने आने चाहिए, उसके लिए प्रयास किया यात्रा के संयोजक, जिनके कारण से हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ऐसे श्री आरजी काव्य जी, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, दून से आए हुए हमारे देबू भाई, अन्य सभी लोग, और बड़ी संख्या में पूरे उत्तराखंड से, अनेक स्थानों से आए हुए मेरे सभी प्रिय युवा साथियों, छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का पहले तो आज, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार यहाँ पहुँचे होंगे, जो पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो इससे पहले आए हैं उनका भी, मैं ये मुख्य सेवक सदन में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे आप सबको बताते हुए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, हमारे भटजी भी दिख रहे हैं, अनेकों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, केदारखंड से मानसखंड, एक नंबर उत्तराखंड, जो हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसकी कल्पना को साकार करने में, उसको धरातल में उतारने में ओहो रेडियो ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो उन्होंने केदारखंड से मानसखंड की यात्रा की है, उत्तराखंड की यात्रा की है। इसके अंतर्गत जैसा मैं देख रहा था, मुझे बताया भी गया कि 13 जनपदों में छात्र एवं छात्राओं से संवाद किया गया, हमारे प्यारे विद्यार्थियों में एक उत्साह का वातावरण भी निर्मित हुआ। ओहो हिल यात्रा का उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मिशन और जो संकल्प देश के सामने रखा गया है, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का जो मंत्र है, वो लोगों तक पहुंचाना, तो मैं कह सकता हूं हमारे प्रिय उदयमान भविष्य के कर्णधार हैं, तो आज पूरी दुनिया का जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो हमारे देश के अंदर दुनिया का अकेले 40% से अधिक जो है केवल हमारे देश में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर आप सब्जी भी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला भी जो है आपको कार्ड से जो है आपका पेमेंट लेता है, छोटे छोटे चाय की दुकान में जाएंगे तो वहाँ भी होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रयास करने से, संकल्प लेने से, अगर जीवन में हमने संकल्प ले लिया, प्रयास प्रारंभ कर दिया, चाहे कठिन काम कितना भी क्यों ना हो, उस कठिन काम को हम जरूर आसानी से पूरा कर लेते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। जब ये काम शुरू हो रहा था तो डिजिटल का आपको पता है, बहुत सारे लोग खिल्लियां उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, जब प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया कहते थे कि यहाँ पर अच्छे फोन नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, एक्सेस नहीं है, ये कैसे हो पाएगा, लेकिन आज सारी चीजें धरातल पर उतर रही हैं। हमारे श्री काव्य जी ने भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है, शुरुआत में जरूर कठिनाई का सामना करा है उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और ओहो रेडियो के माध्यम से उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। हमारे घरों में भी
हम सबको पता है, हम सबको पता है कि पहले रेडियो का बहुत चलन होता था, और कई बार तो कई बार क्या, हमने खुद उसको देखा है, जो हमारे बिल्कुल नए दौर के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने वो उस दौर से थोड़ा आगे के दौर में आ गए हैं, जहां हमारा ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एक से अच्छा अच्छा मोबाइल है, टेलीविज़न का भी चलन कम होता जा रहा है, अन्य चीज़ों का, अखबार भी अब सीधे जो है सारी दुनिया जो है मोबाइल पर आ गई है। इतना तेज ज्ञान विज्ञान ने प्रगति की है। पहले के समय में तो गांव में क्यों लखेड़ा जी, एक रेडियो होता था और किसी दिन मैच होता था तो कई लोग बैठे होते थे, और वो मैच की कमेंट्री जो है एक ही रेडियो से 20-25 लोग सुनते थे। और ये रामायण जब आती थी, रामायण सीरियल आता था, तो उस समय भी टेलीविजन बहुत कम होते थे, पूरे गांव में एक होता था, कम से कम 400-500 लोग जो है टेलीविजन ऊंचे में लगाया जाता था और देखते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, रेडियो को एक बार फिर से, जिसका एक तरह से थोड़ा आज की नई दुनिया में जो देखना सुनना कम हो गया था, उसको पुनः मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और 110 से भी ज्यादा एपिसोड आज मन की बात के हो चुके हैं। और ये देश दुनिया का पहला उदाहरण है जिसमें इतनी बड़ी सीरियल जो चलाई गई, लगातार चलाई गई, बिना रुके अनवरत रूप से इसको आगे बढ़ाया। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर ओहो रेडियो ने भी उत्तराखंड में जो रेडियो है उसको जिंदा रखने का काम किया है। अभी आप टोपी पहन रखी है भट्ट जी ने, एक टोपी आप भी लाए हैं रवि जी यहां पर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने टोपी पहनी, और पूरी दुनिया के अंदर आज लोग जो है हमारे ये उत्तराखंड की ब्रह्म कमल वाली टोपी पहन रहे हैं। हमारा बहुत ही समृद्ध उत्तराखंड की संस्कृति, और ओहो रेडियो ने इसका प्रचार प्रसार का कार्य किया है। प्रिय छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बार जीतोगे? मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपकी ये हिल यात्रा रुकने नहीं देंगे, हम चलती रहेंगे कंटिन्यूअसली। आज जब हम सीएम आवास में एंटर कर रहे थे तो एक बहुत खुशी का, मतलब मैंने न्यूज देखा वहां पे, और ये प्रोग्राम देख के आज डबल खुशी है आज, क्योंकि एक नारा सुना था बचपन में हमने, जय जवान जय। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया है, तो ताली बजाते हैं। तो खुशी तो अंदर घुसते हुए ही मिल गई थी, और आपका ये प्रोग्राम देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तो और मैं ज़्यादा शब्द तो कहूँगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासरूम में बोलते हैं, ऐसे स्टेज पे बोलने का मौका मिलता नहीं है। तो बस यही कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त, हमें यहाँ मज़ा आया सब लोगों को। आप लोगों को आया कि नहीं आया? याद रहेगा जीवन भर। थैंक यू। आज से एक साल पहले हमने इसी मंच से डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया प्रोग्राम का संकल्प लिया था उत्तराखंड में काम करने के लिए, और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ में जुड़ के और
उत्तराखंड सरकार के साथ में मिलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मैं बच्चों को सिर्फ दो ही चीज़ कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहली बात ये कि जैसे कि आपने भी बोला, हम हिल यात्रा को रुकने नहीं देंगे, तो डिटॉल अगले साल भी हिल यात्रा को वैसे ही सपोर्ट करेगा जैसे अभी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ स्पेशली बच्चों के लिए है और उनके प्राध्यापकों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए है। हम लोग 1300 स्कॉलरशिप्स लॉन्च कर रहे हैं मिशन लाइफ के लिए, और हर स्कॉलरशिप का जो डिनोमिनेशन है वो अराउंड 1000 रुपीज़ का है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। और इसकी अगर आपको मैं बताऊं 1300 क्यों, तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 100 स्कॉलरशिप्स ईच डिस्ट्रिक्ट, सो टोटल जो है वो 1300 स्कॉलरशिप हम लोग लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। उसी तरह से मिशन लाइफ के प्रिंसिपल, स्कूल और टीचर्स के स्कॉलरशिप्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव ऑलमोस्ट 10 स्कॉलरशिप्स फॉर 10 स्कूल्स, जिसमें प्रिंसिपल्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं और एक ग्रांट इन एड भी है। तो हम लोग पूरे तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेके आएंगे और हम चाहते हैं कि मिशन लाइफ आगे बढ़ता जाए। और अभी हमने 4 स्कूल्स में उत्तराखंड में क्लाइमेट रेजिलियंस का काम किया है, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में है। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार के साथ में, हिल यात्रा के समूह के साथ में, आरजे काव्या के साथ में, हम ये पूरी बात COP29 में लेके जाएं कि उत्तराखंड में हमने साथ में क्या काम किया। अभी मैं डावोस में था, उससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में था, तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर में ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ग्लोबली इंडिया की स्टोरी विश्व सुने, तो मैं चाहता हूँ उत्तराखंड की स्टोरी विश्व सुने। तो इसके लिए हम आपके साथ में हैं एंड वी विल प्लान इट बेटर। थैंक यू सो मच। Before even starting OHO Radio, he said ki I want to go meet people in Uttarakhand and see, you know, how Uttarakhand is actually working or Uttarakhand dikhta kaisa hai. Because obviously, Kavya was working outside, I was also working outside. And jab hum Uttarakhand aaye, to he said ki I want to go and see how actually Uttarakhand looks, right? To humne decide kiya ki hum ek campaign banayenge, jiska naam OHO Hill Yatra tab nahi tha. It was just a campaign, right? Jiska naam baad mein OHO Hill Yatra rakha gaya. एंड सीजन वन में हमने यू नो वी टॉक्ड अबाउट कल्चर, वी टॉक्ड अबाउट डांस, फोक म्यूजिक एंड सो मच मोर। सेकेंड में जब हम आए तो हमने राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करी, एंड फाइनली इन द थर्ड सीजन वी टॉक्ड अबाउट केदारखंड से मानसखंड, एक नंबर उत्तराखंड की, उत्तराखंड को कैसे नंबर वन बनाया जाए और कैसे उत्तराखंड को एज अ स्टेट आगे लेके जाया जाए, जिसको आगे चल के हम ये कह सके कि उत्तराखंड वाकई ही एक नंबर है, इट स्टैंड्स ऑन the top first position. So that was the motive of this campaign. Kedarkhand se Manas Khand, Kedarkhand se Manas Khand, ek number Uttarakhand, oh ho, hill yatra, oh ho, hill yatra.